तो दोस्तों इस समय हम सारनाथ के रेलवे स्टेशन पर हैं, सारनाथ स्टेशन पे हैं। तो हम लोग अब यहाँ से फिर जाएंगे सारंगनाथ मंदिर, जो कि सारनाथ में ये रेलवे के इस जस्ट इसके पीछे है। तो इस रेलवे स्टेशन से हम लोग सारनाथ मंदिर जाएंगे, सारंगनाथ मंदिर वहाँ पे हम लोग घूमे घूमेंगे। बाइक से ही हैं पर यहाँ से गुजर रहे तो हम सोचे यहाँ पर भी वीडियो बना ली स्टेशन पर, तो फिर यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे। अब तो हम स्टेशन पे थोड़ा बहुत घूम लिया, अब हम लोग चलेंगे सारंगनाथ मंदिर पे। अब हम लोग यहाँ से समाप्ति है। इन छोटे भाइयों के साथ 5 मिनट समय बिताया, घूमा फिरा, तो इन लोग का वीडियो भी डाल दिया इसमें। तो अब हम चल रहे हैं सारंगनाथ मंदिर पे, अब वहाँ पे चलेंगे, दर्शन करेंगे और आप लोग को भी वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। इस समय लगन का टाइम है, तो इस समय ज़रूर वहाँ पर शादियाँ हो रही होंगी और वहाँ पे हम चलेंगे तो आप लोग की पूरी हिस्ट्री वहाँ के बताएंगे सारंगनाथ मंदिर का, जो कि बहुत ही अच्छा जगह है। तो वहाँ पे आप लोग अगर इधर घूमने आइएगा सारनाथ, तो वहाँ सारंगनाथ मंदिर पे भी घूम लीजिएगा, बहुत ही अच्छा जगह है। तो हम चलते हैं अब, तो देख लीजिए यही सब जानवर हैं जो कि पटरियों पर चढ़ते हैं और ट्रेन आने से अपना जान गंवाते हैं। सारंगनाथ मंदिर जो कि सारनाथ में है और इसे महादेव का ससुराल भी कहा जाता है, तो इसकी हिस्ट्री हम पूरी आपको बताएंगे। तो पहले हम यहाँ पे चलते हैं, चारों तरफ घूमते हैं और यहाँ पे देखते हैं कैसा यहाँ पे माहौल है, क्या है। तो बहुत ही अच्छा जगह है सारनाथ का, महादेव का मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में यहाँ पे दर्शन करने पे काशी विश्वनाथ के दर्शन के समान ऐसा माना जाता है, पुण्य मिलता है। तो चलते हैं हम पहले चारों तरफ, यहाँ दिखा देते हैं कैसा है यहाँ का नज़ारा, उसके बाद हम हिस्ट्री भी यहाँ की बताएंगे पूरा आप लोगों को। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बताइएगा ये मंदिर कैसा है, और आप लोग सारनाथ आइएगा तो ज़रूर यहाँ पे घूमिएगा, बहुत ही अच्छा है, हम दिखाने जा रहे हैं आप लोग को पूरा। Kids all wish away the month 'cause they want
just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young. हुई ऋषि को पता चला कि उनकी बहन की शादी कैलाश पर रहने वाले औघर से की गई है तो नाराज हो गए। उन्हें लगा कि उनके जीजा के पास ठीक से वस्त्र तक नहीं है। इसके बाद उन्होंने पता किया तो जानकारी मिली कि बहन सती व महादेव विलुप्त नगरी काशी में विचरण कर रहे हैं। इसके बाद सारंग ऋषि बहुत सा धन लेकर अपनी बहन से मिलने के लिए निकल गए। जहाँ पर आज सारंगनाथ का मंदिर है वहाँ पर पहुँचे तो थक जाने के कारण उन्हें नींद आ गई। सारंग ऋषि ने सपना देखा कि काशी नगरी तो सोने से बनी हुई है। इसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और बनोई के बारे में क्या क्यों सोचने को लेकर उन्हें ग्लानि भी हुई। इसके बाद उन्होंने प्रण किया कि जब वह यही रहकर बाबा विश्वनाथ की तपस्या करेंगे। ऋषि के तप से प्रसन्न होकर महादेव ने सती के साथ दिया था दर्शन। ऋषि सारंग ने कठोर तप आरंभ कर दिया था। तपस्या करते उनके शरीर से लावे की तरह गोद निकलने लगे थे, लेकिन ऋषि ने अपनी तपस्या जारी रखी। सारंग ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने माता सती के साथ उन्हें दर्शन दिया और इसके बाद महादेव ने सारंग ऋषि को साथ चलने को कहा। इस पर ऋषि ने कहा कि यह जगह बहुत अच्छी है, इसलिए वह नहीं जाना चाहते। इसके बाद महादेव ने सारंग ऋषि को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि भविष्य में तुम सारंगनाथ के नाम से जाने जाओगे। कलयुग में तुम्हें गोंद चढ़ाने की परंपरा रहेगी। जहाँ चर्म रोगी सच्चे मन से गोंद चढ़ाएंगे उसे चर्म रोग से मुक्ति मिल जाएगी। सारंगनाथ मंदिर को कहते हैं महादेव का ससुराल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सारंग ऋषि की भक्ति से प्रसन्न काशी विश्वनाथ ने यहाँ पर साले के साथ शोभनाथ रूप में विराजमान है। इस मंदिर में सारंगनाथ महादेव और बाबा विश्वनाथ की एक साथ पूजा होती है। मंदिर में एक ही जगह पर दो शिवलिंग है। कहा जाता है कि सारंगनाथ का शिवलिंग लंबा और सोमनाथ का गोलाकार में और ऊंचा है। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ पर महाशिवरात्रि व सावन में दर्शन करने से चर्म रोगी ठीक हो जाता है। विवाह के बाद यहाँ पर दर्शन करने से ससुराल और मायके का संबंध अच्छा बना रहता है। किसी दंपत्ति को संतान नहीं हो रही है तो यहाँ पर दर्शन करने से संतान सुख मिलता है। तो बाय बाय दोस्तों, कहानी आप लोग को हम बता दिए हाँ। अब घूमते हैं चारों तरफ और ये बताइएगा कि आप लोग को ये कहानी कैसा लगा, यहाँ का हिस्ट्री जानकर आप लोग को। तो चलते हैं हम दूसरे, मतलब हर चारों तरफ से वीडियो बना के आप लोग को दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं दूसरे साइड से हम ले लिए हैं और लगभग दीवार इसकी बहुत अब धीरे धीरे ख़राब हो रही है, यहाँ पे मरम्मत की आवश्यकता है। तो देख पा रहे हैं और ये देखिए पीछे का हिस्सा है। यहाँ पे आप दो तरह से एंट्री कर सकते हैं, एक तो सामने वाले गेट से और ये पीछे वाला गेट था। तो ये पीछे वाले गेट से भी आप एंट्री कर सकते हैं और ये देखिए पीछे का हिस्सा है। सब बहुत अच्छा खासा जगह है यहाँ पे। तो दोस्तों तब आप लोगों ने देख लिया सारंगनाथ मंदिर और ये मंदिर का आप लोगों ने कहानी भी जान लिया। तो दोस्तों अगर आप लोग को कभी इस मंदिर पे आना होगा तो आप लोग पहले कैंट पे आइएगा। कैंट से मंदिर 7 किलोमीटर दूर है। कैंट से आप ऑटो पकड़िएगा, आइएगा पांडेपुर। पांडेपुर से आप लोग ऑटो पकड़ के आ सकते हैं सारनाथ। सारनाथ आइएगा, फिर सारनाथ रेलवे स्टेशन से सटा हुआ ये मंदिर है।